Hello everyone, how to do animal study? Okay, so watch this video carefully and now start. Draw and color animal. Firstly, we can draw oval shape for face like this. And one straight line and another side one curve line we will draw and one curve line upper side. Secondly, back में भी एक हम curve line से draw करेंगे ऐसे like this. एक स्लॉन्ट में लाइन बनाएंगे लेग के लिए. क्लियर? नेक्स्ट इसका नीचे से हम इसकी बॉडी को एक कर्व लाइन और देंगे. बॉटम में जो बॉडी हम बना रहे हैं ऐसे. फिर हम बैक लेग ड्रॉ करेंगे. स्मॉल कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे टू, फिर एक स्ट्रेट लाइन लेग के लिए. ये हम कर्व लाइन में ही छोटी सी टेल ड्रॉ करेंगे इसकी. अब हम इसका फर्स्ट लेग ड्रॉ करेंगे ऐसे एंड सेकंड लाइन सेकंड लेग भी ऐसे ही अंदर से थोड़ा सा लेंगे स्ट्रेट. बैक लेग से हल्का सा कर्व हम उसके लेग में भी लेंगे. फिर बैक लेग में भी हम थोड़ा कर्व लेके ड्रॉ करेंगे. फ्रंट अब हम इसकी फेस को इस ओवल शेप में फेस की शेप ड्रॉ करेंगे. ये देखो अब हम इस फेस बना रहे हैं. नोज वाला पार्ट अंदर से ड्रॉ कर रहे हैं. आई ऊपर को बनाएंगे. और इसके हेड को थोड़ा ऊपर से राउंड ना लेके स्ट्रेट लेंगे स्लिपिंग लाइन. Yeah.
लाइन रब कर देंगे। शेप लेंगे तो हम इजीली पेस्ट ड्रॉ कर देंगे। एनिमल में डियर ड्रॉ कर रहे हैं, डियर की फिगर बनाई है हमने ये, क्लियर। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो हम इरेज कर देंगे और नीचे हमें थोड़ा सा ग्रास इफेक्ट दिखाना है। एक स्मॉल ट्री से प्लांट थोड़ा सा ग्रो करते हुए दिखा दूंगी। अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास है, ऑयल पेस्टल, वाटर कलर, पेंसिल कलर, जो भी हमारे पास है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक येलो कलर यूज़ करेंगे, ब्राउन यूज़ करेंगे और ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। सबसे पहले हम इसमें येलो कलर करेंगे, पूरे डियर में हम येलो कलर फिल करेंगे, बहुत लाइट लाइट ऐसे फिल करना है। पूरी फिगर में ड्रॉ करेंगे येलो, येलो कलर पूरी फिगर में हमें फिल करना है। लेग्स में भी और नीचे हल्का सा ग्रास में भी इफेक्ट देंगे येलो से। हम बॉडी में ब्राउन कलर से शेड करेंगे ऐसे,
इसे ब्राउन कलर से शेड करेंगे। लेग में भी हम हाफ पार्ट में कलर करेंगे, ब्राउन की शेड हाफ में देंगे। ऐसे ही हम इसके नीचे से बॉडी में भी हाफ शेड देंगे ब्राउन कलर से। फेस में भी हम लाइट लाइट शेड ब्राउन कलर से करेंगे साइड साइड में। ईयर इसको हम प्रॉपर ब्राउन कलर से फिल करेंगे, पूरा ब्राउन कलर ही करेंगे इसमें। ऐसे ही हम इसकी लेग में भी बैक साइड में कलर करेंगे, शेड देंगे ब्राउन की। और नीचे लेग भी ब्राउन कलर से इसके नीचे का पार्ट फिल करेंगे लेग का। नेक्स्ट हम लेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से हम नीचे का ये ग्रास वाला पार्ट इसमें भी शेड देंगे। पहले हमने येलो किया था ना, उसी के ऊपर हम ग्रीन की शेड देंगे। ऐसे ऐसे अब हमें ब्राउन कलर ये स्टैम्प में, लीफ की स्टैम्प में यूज करनी है। ऐसे भी हमें इसी प्रोसेस से करना है, यही मेथड है। ये दोनों कलर को आपस में मर्ज करना है। फेस में भी हमें सेम करना है ऐसे ही। स्मॉल प्लांट ड्रॉ किया था वो भी हमें, जहाँ हमें ग्रास इफेक्ट देना है उसको भी हमें ट्रेलिंग है वो हम मार्कर से, या हमारा ब्रश का काम कंप्लीट हो गया। जब ये ड्राई हो जाए डियर के अंदर जो पैचेस होते हैं वो हम ब्राउन कलर यूज करेंगे उसके लिए। हम एनिमल ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। थैंक यू स्टूडेंट। लीफ में हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा फिल कर देंगे कलर से। अब हमें इसे कंप्लीट करने के लिए एक वाटर के पेंट ब्रश और वाटर, अब वाटर लेंगे और ये जो कलर हमने किया है ये आपस में मर्ज करेंगे कलर को। हमारे पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी नहीं दिखाई दे, ऐसे पेंसिल का जो हमारा इफेक्ट था अपनी कलर से उसी कलर को हमें उसी के अंदर